हेलो माय यूट्यूब फैमिली गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों हम लोग यहाँ पे सीख रहे थे कैनवा डिजाइनिंग, ठीक है। और मैंने कैनवा में बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं, यहाँ पे देख सकते हो 7 वीडियोस है। कैनवा एप्लीकेशन जो कि एक बहुत ही यूनिक एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिजाइन करने वाले थे, ठीक है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आपको हर एक चीज़ यहाँ पे इस वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि आप कैनवा कैसे यूज कर सकते हैं, बिगिनर्स से लेकर एडवांस तक हर एक चीज़ मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। अगर आपने ये नहीं देखा तो जाके देख सकते हो। वेल, ये वीडियो नंबर 8 है और इस वीडियो के अंदर हम लोग एक और चीज़ें डिजाइन करने वाले हैं, एक और प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं। दिस इज़ प्रोजेक्ट नंबर 3 और ये मेरे ही एक वीडियो का थंबनेल है, ठीक है, जहाँ पे मैंने बताया था कि कैसे आप लोग AI इमेजेस को जनरेट कर सकते हो, ठीक है। उसका मैंने थंबनेल बनाया था तो कुछ इस टाइप का ये थंबनेल दिख रहा था। तो हम लोग यहाँ पे इसी थंबनेल को डिज़ाइन करने वाले हैं और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद आप लोग सीखोगे कि कैसे आप लोग थंबनेल वगैरह डिजाइन कर सकते हो। पिछले वीडियो में मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट, एड्स वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, ठीक है। और अगर आप वो सारी चीज़ें सीखना चाहते हो तो सारे वीडियोज़ का लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्लिक करके जाके देख सकते हो। वेल, आते हैं कैनवा एप्लीकेशन के ऊपर और हम लोग क्या करते हैं, एक थंबनेल डिज़ाइन करते हैं। अब देखो, थंबनेल डिज़ाइन करना एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है क्योंकि आप थंबनेल डिज़ाइन करके काफ़ी सारा फ्रीलांसिंग जैसे काम आसानी से कर सकते हो। कई सारे यूट्यूबर्स के थंबनेल डिज़ाइन करके आप अच्छे खासे इनकम जनरेट कर सकते हो। थंबनेल डिज़ाइन करना बहुत ही ज़्यादा एक यूनिक क्रिएटिव स्किल होता है जो कि काफ़ी आसान नहीं होता है, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे ये इमेज सेट हो गया, ये सेट करने में कितना टाइम लगेगा और कोई भी कर लेगा, लेकिन ये चीज़ें कहाँ पे सेट करनी है, क्या सेट करना है, क्या लिखना है, ये सारी चीज़ें दिमाग में आनी भी तो चाहिए, उसके लिए क्रिएटिविटी चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको आएगी प्रैक्टिस से। तो हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग थंबनेल डिज़ाइन करते हैं। थंबनेल डिज़ाइन करने के लिए सिंपली यहाँ पे कैनवा एप्लीकेशन आपको ओपन करना है। कैनवा एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है थंबनेल, ठीक है। आप सिंपली यहाँ पे थंबनेल सर्च करोगे। थंबनेल सर्च करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे हमको क्या चाहिए, थंबनेल का एक साइज चाहिए, ठीक है। यहाँ पे टेम्पलेट वगैरह दिख रहा है तो यहाँ पे ये टेम्पलेट वगैरह चाहो तो आप यहाँ से टेम्पलेट वगैरह डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हो, बट हम लोग को एक वाइट पेज चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा क्रिएट डिज़ाइन वाले ऑप्शन पे। इस पर आने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे थंबनेल सर्च करूँगा। मैंने अभी यूट्यूब थंबनेल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं यूट्यूब थंबनेल यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे एक उस साइज़ का यहाँ पे एक कैनवस मिल जाएगा जहाँ पे हम लोग अपने थंबनेल को डिज़ाइन करने वाले हैं। अब डिज़ाइन करने से पहले मैं आपको ध्यान से दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं। सबसे पहले ये सारी चीज़ तो टेक्स्ट है, ठीक है। टेक्स्ट को इस टाइप से कैसे एडिट करना वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। बैकग्राउंड में एक इमेज इस्तेमाल हुआ है जिसकी ओपेसिटी कम है। यहाँ पर एक इमेज इस्तेमाल हुआ है जो कि कुछ इस टाइप के शेप में है। तीसरा, यहाँ पे देख सकते हो कुछ ये इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पे बैकग्राउंड में, इस इमेज के बैकग्राउंड में यहाँ पे एक शेप इस्तेमाल हुआ है जो कि कुछ इस टाइप का दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें तो हम लोग सेट करेंगे, यहाँ पे लाइन वगैरह ये सारी चीज़ें हम सेट करना आपको बताऊँगा। सबसे पहले बैकग्राउंड सेट करते हैं। बैकग्राउंड सेट करने के लिए मैंने इमेज ऑलरेडी अपलोड कर रखी है कैनवा में। आप लोग को अगर ये सारी बेसिक चीज़ें जाननी है कि कैसे इमेज को अपलोड करते हैं, कहाँ पे कौन से सारी टूल है, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको वीडियोज़ में बता रखी है। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बैकग्राउंड यहाँ पे सेट करते हैं। बैकग्राउंड सेट करने के लिए ये वाला जो इमेज है मुझे परफेक्ट लग रहा है, तो ये मैं इमेज यहाँ पे ला के इसको रख लेता हूँ। इमेज रखने के बाद यहाँ पे सिंपली थोड़ी देर में अभी इमेज लोड हो जाएगा क्योंकि नेटवर्क थोड़ा स्लो है। ये इमेज देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इस साइज़ के हिसाब से यहाँ पे सेट करते हैं, ठीक है। ये जो हमारा कैनवस है इसके साइज़ के हिसाब से पूरा मैं यहाँ पे फिट कर देता हूँ। ये मेरा साइज़ यहाँ पे फिट हो चुका है। फिट होने के बाद यहाँ पे सिंपली देखो क्या है कि इसकी ओपेसिटी कम की गई है। इसको मैं कट कर देता हूँ। यहाँ पे ओपेसिटी देखो इसकी कम की गई है। ओपेसिटी मतलब क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी होता है। अभी आपको समझ में आ जाएगा वो क्या चीज़ें होती हैं। सिंपली इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ट्रांसपेरेंसी का, इस पर क्लिक करना है और इसको स्लाइड करके आपको कम कर देना अपने हिसाब से, आप जितना भी रखना चाहते हो, ठीक है। तो वो उसी हिसाब से उतना हल्का यहाँ पर दिखेगा, ओके। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देख सकते हो जो इसकी ओपेसिटी कम की गई है कुछ इस टाइप की आ रहा है, ब्लैकिश टाइप का आ रहा है। मतलब ये वाला जो आप बैकग्राउंड देखो, यहाँ पे जो बैकग्राउंड दिख रहा है और ये जो बैकग्राउंड दिख रहा है ये मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि ये जो हमारा बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड का जो कलर है वो ब्लैक है। उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले मैं इस इमेज को हटा देता हूँ, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लोग जाएंगे, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो बैकग्राउंड का। मैंने ये ब्लैक कलर रख लिया। उसके बाद ये इमेज में हम मैं ला के यहाँ पे रख लेता हूँ। इमेज ला के रखने के बाद यहाँ पे इस इमेज को हम लोग पूरा एडजस्ट कर लेते हैं अपने कैनवस के हिसाब से। ये मेरा इमेज एडजस्ट हो गया। एडजस्ट होने के बाद इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी पे जाना है, इसको स्लाइड करके अब कम करना है। अब देखो, अब आपका यहाँ पे इमेज हल्का फुल्का दिख रहा है कि हाँ कुछ इमेज हो रहा है, कुछ उस टाइप का इफेक्ट यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल रहा है। अब इसके बाद
यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा लॉक का, इसको आपको लॉक कर देना ताकि ये जब भी कोई और एडिटिंग करूँ, कोई और टेक्स्ट वगैरह या इमेज वगैरह ऐड करूँ, मूव करूँ, तो मेरा बैकग्राउंड, ये जो इमेज मैंने इसके ऊपर ऐड किया ना, ये इधर उधर ना खसके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमको एक इमेज ऐड करना है जो कि इस शेप में है। इमेज ऐड करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, उससे पहले इसके नीचे हमारा एक शेप है, देख सकते हो एक शेप है जो कि सर्कल शेप का है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली एक शेप ऐड करते हैं। शेप ऐड करने के लिए आपको एलिमेंट्स में जाना है। एलिमेंट्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है शेप्स, क्या सर्च करना है शेप्स। शेप्स आप सर्च करोगे यहाँ पे आपको बहुत सारे शेप्स देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे ये सर्कल वाला शेप मैं ले लेता हूँ, इसको मैं सिंपली ला के यहाँ पे रख लेता हूँ और इसका साइज़ मैं बढ़ा लेता हूँ कुछ इतना, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रखने के बाद थोड़ा सा इसको टिल्ट कर देते हैं और यहाँ पे इसको ऐसे रख देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं बढ़ा देता हूँ और इसका जो कलर है वो कलर हम लोग ये वाला चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये कलर चेंज होने के बाद सिंपली यहाँ पे हमको इसके ऊपर इमेज ऐड करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो मेरा शेप्स ऐड किया इसको क्लिक करके मैं लॉक कर देता हूँ ताकि इधर उधर ये मूव ना हो, ठीक। उसके बाद यहाँ पे सिंपली क्या करना है, मुझे एक इमेज ऐड करना है। अब इमेज ऐड करने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप फ्रेम में ऐड कर सकते हो या फिर डायरेक्ट इमेज ऐड कर सकते हो। तो फ्रेम में ऐड करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे सर्च करना है फ्रेम। यहाँ पे फ्रेम्स आप सर्च करोगे, ये सर्कल शेप का आपको फ्रेम लेना है, यहाँ पे ला के रखना है। रखने के बाद इसका साइज आपको एडजस्ट कर लेना, जितना भी साइज आपको यहाँ पे सेट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसका साइज एडजस्ट कर लेता हूँ इसी हिसाब से, ये मेरा साइज हो गया, ठीक है। ये साइज होने के बाद सिंपली इसी फ्रेम पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपलोड वाले ऑप्शन पे आना है और जो भी आपको यहाँ पे इमेज ऐड करनी है वो इमेज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो इमेज ऐड करना है उस इमेज को मैं सिंपली यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, जिस इमेज को मुझे ऐड करना है। तो ये वाला इमेज था या फिर ये वाला इमेज, दोनों में कोई एक ऐड कर सकते हैं, तो मैं ये वाला इमेज ला के रख देता हूँ। सिंपली आप इमेज जैसे ही लेके आओगे यहाँ पे देखो ये उसी शेप में आके एडजस्ट हो गया है। सिंपली इसको छोड़ देना है और यहाँ पे उसी शेप में ये क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देख सकते हो ये लगभग हमारा यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो मेरा बैकग्राउंड में जो मेरा शेप है, इस शेप का जो, इसको मैं पहले अनलॉक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से अनलॉक करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पे इसको सेट करता हूँ ताकि मुझे यहाँ पे अच्छे से ये देखने के लिए मिले, ठीक है। अब देखो अब ये हो गया हम लोग का। ये होने के बाद सिंपली क्या करना है, ये जो हमारा बैक में है इसको लॉक कर देना है, सारी चीज़ों को, इसको भी लॉक कर देना, इसको भी लॉक कर देना है, ठीक है। ये लॉक हो गया, इतना हमारा बन चुका है, यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी आसानी से देख सकते हो इतना हमारा यहाँ पे बन चुका है। अब ऊपर हमको टेक्स्ट ऐड करना है जहाँ पे लिखा है मास्टर AI इमेज जनरेशन। ये लिखने के लिए यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है कि यहाँ पे ये कलर अलग है, ये कलर अलग है और ये कलर अलग है। उसके लिए सिंपली हम लोग आते हैं टेक्स्ट पे। टेक्स्ट पे आने के बाद यहाँ पे आपको ऐड हेडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऐड हेडिंग वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे क्या लिखना है, मास्टर। इसको मैं ला के यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, इसका कलर मुझे चेंज करना है जो कि इसका कलर है ये वाला, ठीक है, ये चेंज हो गया। उसके बाद ये वाला कलर चेंज करना, सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इस वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे जो भी कलर आप रखना चाहते हो वो कलर आप रख सकते हो। देख सकते हो ये कलर हो गया, ये मेरा कलर यहाँ पे हो गया, थोड़ा सा ये डार्क है तो हम लोग यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं, इस पर जाते हैं और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड अ न्यू कलर वाला, इस पर क्लिक करना है और ये डार्कर जो कलर, इसको आप यहाँ से ऐसे डार्क कर सकते हो, ठीक है, इस टाइप से। ये मेरा डार्कर हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लेता हूँ ये, और इसका जो साइज़ है वो साइज़ मैं यहाँ से एडजस्ट कर लेता हूँ अपने हिसाब से। साइज एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे आप ध्यान से देखो, इस पर शैडो लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 3D टाइप का कुछ दिख रहा है, तो उसको करने के लिए सिंपली इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जाना है। इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा शैडो का, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हो यहाँ पे शैडो आ चुका है, बट ये शैडो हमको नहीं चाहिए, हमको ब्लैक ही शैडो चाहिए। तो सिंपली मैं कलर सेलेक्ट करूँगा, कलर में आके मैं यहाँ पे ब्लैक सेलेक्ट कर लूँगा। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा लगभग शैडो आ चुका है। ये फिर से इफेक्ट पे चलते हैं, यहाँ से आप चीज़ों को बढ़ा घटा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ओपेसिटी बढ़ा सकते हो, ऑफसेट, डायरेक्शन आप बढ़ा घटा सकते हो जिधर चाहो उधर, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का इसका डायरेक्शन था। ट्रांसपेरेंसी थोड़ा सा बड़ा घटा सकते हो और इसका ऑफसेट हम लोग थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। तो कुछ इस टाइप से हमारा इमेज ये दिखेगा, ठीक है। ये लगभग हमारा यहाँ पे तैयार हो चुका, देख सकते हो 3D इमेज लग रहा है। अब क्या करना है, इसी के नीचे मुझे जनरेशन लिखना है जो कि सेम इसी टाइप का है। तो हम क्या करेंगे, इसी पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे, ठीक, इसके नीचे। और यहाँ पे मैं पूरा ये सेलेक्ट करके यहाँ पे जनरेशन में लिख लूँगा, ठीक है। जनरेशन लिखने के बाद सेलेक्ट करेंगे और जो कलर हम लोग यहाँ पे चाहते हैं वो कलर यहाँ पे
सेलेक्ट कर लेंगे और यह हमारा इतना बनके तैयार हो चुका है। सिंपली मैं इसको भी लॉक कर देता हूँ और इसको भी लॉक कर देता हूँ, ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे मुझे एक लाइन ऐड करनी है जो कि कुछ इस टाइप से यहाँ पे एक लाइन ऐड हुई है। उसके लिए एलिमेंट्स पे जाना है। एलिमेंट्स पे जाने के बाद यहाँ पे आपको लाइन सर्च करना है, ठीक है। आप यहाँ पे लाइन सर्च करोगे, आपको यहाँ पे देखो ये वाला लाइन मिलेगा। सिंपली इस वाली लाइन को लेके आना है और लेके आने के बाद यहाँ पे इसको इस तरीके से आपको यहाँ से और इधर से बढ़ा लेना है, घटा लेना है, जितना भी आप करना चाहते हो, ठीक है, कुछ इस टाइप से। ये हो गया हम लोग का, लाइन ऐड हो गया, ठीक है। आप लाइन का कलर भी चेंज कर सकते हो, लाइक यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा लाइन कलर का, यहाँ पे क्लिक करके आप जो भी कलर रखना चाहते हो वो कलर आप यहाँ से रख सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, कंप्लीट सीरीज लिखा है, जो कि सेम इसी टाइप का शैडो वगैरह लगा हुआ है, बस कलर चेंज है दूसरा। तो सिंपली फिर से इसी पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेंगे और ये हम लोग यहाँ पे नीचे लाएंगे और यहाँ पे मैं लिखूँगा कंप्लीट सीरीज। इसको सेलेक्ट करेंगे, कलर पे जाएंगे और कलर पे जाने के बाद ये वाला कलर हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, देख सकते हो कुछ इस टाइप से ये हमारा इतना बन चुका है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है पार्ट 6 हिंदी लिखा हुआ है, तो उसके लिए सिंपली क्या करेंगे, हम लोग टेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ पे आप हेडिंग ऐड कर सकते हो या टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे लिखना है पार्ट 6 या जो भी आप लिखना चाहते हो और यहाँ पे हिंदी, ठीक। लिखने के बाद इसको हम लोग यहाँ पे लाएंगे मिड में और यहाँ से इसको साइज एडजस्ट कर लेंगे छोटा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि इस पर एक बैकग्राउंड कलर लगा हुआ है, इसका कलर अलग है और इसका कलर वाइट है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पे जो है यहाँ पे एक स्पेस दे देंगे और स्टार्टिंग में एक स्पेस दे देंगे ताकि आप ये जब बनाएंगे इसका बैकग्राउंड तो आपको पूरा यहाँ पे जगह देखने के लिए मिले। इफेक्ट पे जाएंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड पे आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पे आना है और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हम लोग का जो है वो नेवी ब्लू टाइप का है। सिंपली इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद नीचे स्लाइड करूँगा, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, बट मुझे यहाँ पे नेवी ब्लू ऐड करना है तो यहाँ पे आपको ऐड न्यू कलर वाला ऑप्शन मिलेगा। सिंपली यहाँ पे स्लाइड कर देते हैं और हम लोग को जो कलर ऐड करना है वो कलर मैं यहाँ पे सिंपली ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद सिंपली यहाँ पे क्या करना है, इसको हम लोग यहाँ पे नीचे एडजस्ट कर लेते हैं। अब मुझे क्या करना है, ये जो हिंदी लिखा हुआ है इसका मुझे कलर चेंज करना है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे, इस पर जाएंगे और ये वाला कलर हम लोग ले लेते हैं या जो भी कलर आपको रखना है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद ये देखो थोड़ा सा बोल्ड है तो आप बोल्ड भी कर सकते हो चाहो तो, आप इस तरीके से सेलेक्ट करना है, यहाँ पे बोल्ड वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करके आप इसको बोल्ड भी कर सकते हो। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जनरेटिंग कॉम्प्लेक्स इमेजेस, ठीक है, सिंपली यही वाला स्टाइल है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, जनरेटिंग, और यहाँ पे एक और भी कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे कॉम्प्लेक्स इमेजेस, ठीक है। इस तरीके से इसको एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से, कलर इसका देख सकते हैं यहाँ पे ये वाइट कलर है और ये कॉम्प्लेक्स इमेज हमारा इस कलर का है। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, कलर पे जाएंगे और यहाँ पे ये मेरा सॉरी यहाँ पे पूरा सेलेक्ट कर लेंगे इसको और यहाँ पे इसको चूज कर लेंगे तो ये हमारा ये कलर हो जाएगा और ये जो है हमारा वाइट है। क्लिक करेंगे, इसको पूरा ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे डबल क्लिक करके, ए पे जाएंगे और वाइट कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे तो ये हमारा बन चुका है। उसके बाद यहाँ पे भी एक वाइट कलर की लाइन ऐड है, सिंपली ये वाला जो लाइन है इस पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे और कंट्रोल वी करेंगे, हमको एक लाइन मिल जाएगा। सिंपली ये लाइन लाके मैं यहीं पे नीचे रख देता हूँ, ठीक। ये देख सकते हो हमारा बैनर लगभग बनके तैयार हो चुका है, ठीक है। अब बस इसमें मुझे यहाँ पे ये फ्री वाला ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए सिंपली एलिमेंट पे जाएंगे, एलिमेंट पे जाने के बाद यहाँ पे शेप्स में जाएंगे और शेप्स में जाने के बाद सिंपली यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो शेप्स, शेप्स आप सर्च करोगे यहाँ पे देखो कुछ इस टाइप के ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। तो ये वाला आपको लेना है शेप और इसको लाना है और ला के सिंपली आपको यहाँ पे इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। इस पे जो टेक्स्ट लिखना है वो टेक्स्ट लिख सकते हो, तो सिंपली इसको सबसे पहले हम लोग लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद मैं टेक्स्ट पे जाता हूँ, यहाँ पे ऐड टेक्स्ट बॉक्स करता हूँ और यहाँ पे फ्री लिख देता हूँ, ठीक। और इस फ्री को यहाँ पे ला के यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ इस तरीके से और यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद सिंपली सेलेक्ट करके ए पे जाएंगे और इसका कलर जो है हम लोग चेंज कर देंगे, ये हमारा बन चुका है। तो देख सकते हो कितनी आसानी से हम लोगों ने यहाँ पे एक थंबनेल बना रखा है। अब देखो थंबनेल बनाने के लिए कुछ आपको गाइड जरूर देना चाहूँगा, जब भी आप लोग कोई थंबनेल बनाने जाते हो तो उसका पहले ही स्केचिंग बना लो कि क्या लिखना है और क्या इमेज ऐड करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हर कैटेगरी का अलग अलग थंबनेल होता है, जैसे लाइक गेमिंग का अलग थंबनेल होगा, ये एजुकेशन टाइप का है तो इसका कुछ अलग थंबनेल होगा,
ठीक है, कोर्सेज का अलग थंबनेल होता है, आपको इंटरटेनिंग वीडियो बना तो उसका कुछ अलग टाइप का थंबनेल होता है, तो अलग अलग थंबनेल होता है जिसमें कुछ में टेक्स्ट ज़्यादा लिखना पड़ता है, कुछ में टेक्स्ट कम लिखना पड़ता है। आप देख सकते हो कितना अच्छा यहाँ पे ये थंबनेल बना हुआ, आप लोग बताना ये थंबनेल कितना अच्छा है, मतलब अच्छा है कि नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे ये देख सकते हो मेरा एक थंबनेल बनके तैयार हो चुका है कितनी आसानी से। इस तरीके से आप यहाँ पे थंबनेल भी बना सकते हो। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट बॉक्स आपके लिए, सिंपली मुझसे पूछ सकते हो। और जो लोग इस सीरीज़ को पूरा देख रहे हैं उनको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए आगे भी मिलने वाली है, तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा। अभी एक दो प्रोजेक्ट और लाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कैनवा को इस्तेमाल करके अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।